हेलो दोस्तों, वीटी नशा में आपका स्वागत है। मैं पंकज चौधरी और इस वीडियो में बने रही हम बात करने वाले एम्स का जो एक नोटिफिकेशन है, जो कि एक पीडीएफ है, वो सर्कुलेट हो रही है काफ़ी जगह पे। उसमें आपको सबको बताया जा रहा है कि जी अब आने वाली वैकेंसीज़ में फीमेल को नर्सिंग स्टाफ में 80% वैकेंसी दी जाएंगी और 20% बाकी मेल के लिए रहने वाली है। तो हम इसकी ट्रूथ को जानेंगे, इसी पीडीएफ से जानेंगे कि क्या है ये क्या नहीं है। उसको इस वीडियो में जानने के लिए प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और भी इम्पोर्टेंट कुछ थिंग्स हैं, उनके बारे में भी अपन इस पीडीएफ में देखने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करता हूँ सबसे पहले कि ये जो एम्स दिल्ली एम्स में जो मीटिंग हुई थी वहाँ की है, और वहाँ पे जो भी ये मीटिंग हुई थी जो सबसे इसको हेल्ड किया गया था 27 जुलाई 2019 को 3 बजे, और जो ये मीटिंग हुई थी ऑनरेबल हेल्थ फैमिली वेलफेयर जो मिनिस्टर आता है उसके साथ में मीटिंग की गई थी। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कौन कौन मौजूद था। तो यहाँ पे इस मीटिंग में काफ़ी लोग मौजूद थे, तो मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ कि जो अपने श्री हरीश वर्धन जी हैं, जो कि अपने यूनियन मिनिस्टर हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, वो जो वहाँ पे प्रेजेंट थे। तो उनके बिना कुछ भी एम्स में नहीं हो सकता, क्योंकि एम्स चलता है फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर के अकॉर्डिंग। तो वो उनके यहाँ पे प्रेसिडेंट थे, और बाकी जो राज्यसभा में हैं अपने प्रोफेसर रामगोपाल यादव, वो भी मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट है, जो कि राज्यसभा के एमपी हैं, वो भी उस मीटिंग में उनको था, वो भी उस मेंबर में यानी कि मेंबर्स में बोर्ड ऑफ मेंबर्स में थे। तो बाकी और सारे जो एम्स हैं जहाँ भी, जैसे कि आप देख लो ऋषिकेश एम्स देख लो, भोपाल एम्स देख लो, जोधपुर, भुवनेश्वर, रायपुर, सभी एम्स के जो भी डायरेक्टर थे वो उस मीटिंग में प्रेजेंट थे। तो आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं सबका, और यहाँ से आपको क्वेश्चंस भी हल हो जाएंगे कि कौन से एम्स का कौन डायरेक्टर है, तो ये आप कंफर्म कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस पीडीएफ में। सबसे यहाँ पे 27 जनों को मेंबर लिया गया था। ओके, कंफर्म हो गया कि कितने लोग थे इसमें मीटिंग में, 27 लोग। अब इन्होंने क्या करा था कि कुछ चीज़ें प्रेजेंट रखी थी, मतलब एजेंडे रखे गए थे। ये कंफर्म नहीं कहा गया कि यही होगा, बल्कि उन्होंने जो एजेंडा रखा था कि ऐसे करें ऐसे करें, तो उसको अभी कुछ चीज़ों को फाइनल कर दिया गया है, बाकी कुछ चीज़ों पर अभी फाइनल नहीं किया गया है। तो अपन सबसे पहले कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें अपन एक तो जो बात करेंगे, जो कि डॉक्टर्स हैं उनके लिए भी एक नोटिफिकेशन इन्होंने डाला है, जो कि अपना इस पेज में डी ऑप्शन है, वो देखिए आप। डायरेक्टर एम्स नागपुर ने एम्स से इन्फॉर्म किया है दैट देयर आर सुपर स्पेशलिस्ट रिटायर्ड डॉक्टर, जो भी रिटायर्ड डॉक्टर है सुपर स्पेशलिस्ट इन इंडियन आर्मी में जो भी डॉक्टर हैं, जो कि हु मे बी विलिंग टू ज्वाइन एम्स, जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं यानी कि 60 साल उम्र हो चुकी है उनकी, उसके बाद में वो रिटायर्ड हो गए, वो अगर चाहते हैं एम्स ज्वाइन करना तो उनको स्पेशल प्रोविजन पीरियड उनका बढ़ा के उनको वो ज्वाइन करवा सकता है एम्स। इसके लिए उन्होंने इन्फॉर्म किया गया है, यानी कि वो 70 साल तक उनको प्रोविजन बढ़ा के उनका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उनसे काम करवा सकता है। यानी कि काफ़ी अच्छी चीज़ है कि अगर सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है तो एम्स में काम करेगा, अगर वो रिटायर्ड होने के बाद में तो डॉक्टर भी सही रहेगा, यानी कि एक पेशेंट के हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा, ना कि वो कहीं बाहर कमाएगा तो बाहर ज़्यादा लूट होगी, तो एम्स में सही रहेगा। यानी कि सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अगर वो उसको उसकी प्रोविजन पीरियड बढ़ाई जा रही है 70 ईयर तक। ठीक है, एक तो ये अच्छा पॉइंट था यहाँ पे, और भी कुछ पॉइंट्स हैं वो उनकी बात करेंगे अपन। अपना मेन टारगेट है कि जो फीमेल और मेल वाला रेशियो था उसके ऊपर बात करते हैं अपन। दोस्तों ये लास्ट पॉइंट है आपका, द सी आई बी डिस्कस ऑन द इशू ऑफ अप्रोप्रिएटनेस एंड रिक्रूटमेंट ऑफ फीमेल नर्सिंग स्टाफ इन ए नंबर ऑफ डिपार्टमेंट या स्पेशल वार्ड्स। तो सबसे पहले इस लाइन पे जाइए, द सी आई बी डिस्कस ऑन दिस इश्यू, उन्होंने अभी डिस्कस किया है, ना कि कोई कन्फर्म कर दिया गया है। तो जो भी लड़कियां खुश हो रही थी उन्हें खुश होने की अभी ज़रूरत नहीं है, और जो लड़के उदास हो रहे थे अभी उदास मत हो, आपके पास चांसेस हैं।
तो जो भी डिपार्टमेंट है वहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया है कि ऐसा हो पेशेंट की कंफर्ट एंड केयर के लिए ऐसा हो, और कीपिंग दिस व्यू इट वाज द डिसाइड दैट 80% पोस्ट मे बी रिजर्व फॉर फीमेल नर्सिंग स्टाफ वाइल द रिमेनिंग 20% पोस्ट मे बी फिल्ड बाय मेल नर्सिंग स्टाफ। उन्होंने अभी डिस्कस किया है, अभी इन्होंने इस चीज़ पर ठप्पा नहीं लगाया है। तो अभी और लास्ट में आपने एक चीज़ और नोटिस नहीं की, इनमें लिखा है कि द मीटिंग एंडेड विद ए वोट, यानी कि मीटिंग एंड होगी एक वोट के और वोट देने के बाद में, और एंड थैंक्स टू ऑल दोज प्रेजेंट, यानी कि जो भी प्रेजेंट है उन्हें थैंक्स दिया गया है, और बाकी वोट के साथ, यानी कि अभी ये कन्फर्म नहीं हुआ है, अभी लागू नहीं हुई है ये चीज़, अभी उन्होंने ये डिमांड रखी है, अभी आगे देखते हैं क्या होता है कि अगर वो इसको अप्रूव करते हैं या नहीं करते हैं। और नर्सिंग के लिए यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ थी, वो मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको, कि जो भी नर्सिंग में अलग अलग वैकेंसी होती है उनके रिक्वायरमेंट कुछ अलग अलग होते हैं, तो ये चीज़ अच्छी चीज़ थी। उन्होंने प्रपोजल रखा था कि जो भी पर्सन है नर्सिंग से पोस्ट आती हैं, जिनमें भी जितनी भी पोस्ट आती है उनमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या एम्स हो, उनके दोनों के जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें अलग अलग क्या रहता है क्राइटेरिया रहता है क्वालिफिकेशंस का, मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशंस का, कि कहीं पे 6 महीने का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं जीएनएम वालों से, कहीं पे 1 साल का, कहीं पे मांग ही नहीं रहे। सेंटर और एम्स गवर्नमेंट की बात करी है उन्होंने, तो उन्होंने सिर्फ एक चीज़ रखी है कि हम जितने भी एम्स हैं प्लस सेंटर गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उनमें एक ही रूल लागू होगा, यानी कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का रूल होगा वो एक ही रूल लागू होगा, ये उन्होंने कहा है। ये आप सिर्फ जैसे कि मैं बात करना चाहूँ कि एम्स जितने भी एम्स हैं प्लस जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, जैसे कि एम्स ने मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में ये तय होगा कि जीएनएम वालों को कितना एक्सपेंस मांगना है या एक्सपेंस लेना है या नहीं है, बीएससी वालों के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिए, ये फिक्स रहेगा उनके लिए। और थैंक यू दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ अपनी थी जो कि रेशियो था अपना मेल एंड फीमेल का 80/20, वो कि अभी फिक्स नहीं हुआ है। तो दोस्तों टेंशन करने की बात नहीं है, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए।